हेलो दोस्तों दोस्तों मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज के वीडियो लेक्चर में। दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग अपने चैप्टर रासायनिक बलगतिकी से अगली टॉपिक पढ़ेंगे। आज के लिए हमारी टॉपिक है अभिक्रिया का दर समीकरण या दर नियम। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं रेट इक्वेशन और रेट लॉ ऑफ रिएक्शन। तो आज की वीडियो में सबसे पहले हम अभिक्रिया के दर समीकरण या अभिक्रिया के दर नियम की बहुत ही आसान शब्दों में एक आसान सी परिभाषा लिखेंगे ताकि हम आसानी से उसको याद रख सकें। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम परिभाषित करते हैं अभिक्रिया के दर समीकरण को। तो हम लिखेंगे वह समीकरण जिसमें अभिक्रिया की दर को अभिक्रियकों की मोलर सांद्रताओं के पदों पर घातांक लगाकर व्यक्त किया जाता है अभिक्रिया का दर समीकरण या दर नियम कहलाता है। अब इस परिभाषा को और अच्छे से समझने के लिए हम एक अभिक्रिया का उदाहरण ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक सामान्य अभिक्रिया लेते हैं जिसमें ए और बी से उत्पाद यानी प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है। इस अभिक्रिया में ए और बी अभिक्रियक हैं और हम जानते हैं कि किसी भी अभिक्रिया की दर जो होती है वो अभिक्रियक की सांद्रता के समानुपाती होती है। आपको पहले से ही पता है कि किसी भी अभिक्रिया में अभिक्रियकों की सांद्रता जब अधिक होती है तो अभिक्रिया की दर भी अधिक होती है। तो इस आधार पर हमने यहाँ पर एक सामान्य सा समीकरण लिख दिया है R प्रोपोर्शनल ए की कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। यहाँ पर R जो है वो अभिक्रिया की दर के लिए लिखा गया है और इस चिन्ह के बारे में आप जानते हैं, इसको प्रोपोर्शनल या समानुपाती का चिन्ह कहते हैं। और बड़े वाले ब्रैकेट में ए लिखने का अर्थ है ए की सांद्रता और बड़े वाले ब्रैकेट में बी लिखने का अर्थ है बी की सांद्रता। तो हम पहले से ही जानते हैं कि अभिक्रिया की दर अभिक्रियकों की सांद्रता के समानुपाती होती है। इसका अर्थ ये होता है कि यदि हम अभिक्रियक की सांद्रता अधिक रखेंगे तो अभिक्रिया की दर भी अधिक होगी। अब यदि इस समीकरण पर हम ध्यान दें तो यहाँ पर ए जो है ए की सांद्रता जो है इसका घात एक है और बी की सांद्रता का घात भी एक है, जो कि सभी अभिक्रियाओं के लिए सही नहीं होता है क्योंकि ये सांद्रता का घात एक होगा ये निश्चित नहीं होता है। तो इसलिए हम थोड़ा और अच्छे से लिखें तो हम लिखेंगे R समानुपाती ए की सांद्रता का घात x और बी की सांद्रता का घात y। यहाँ पर x और y कुछ संख्याएँ हैं जो प्रयोगों द्वारा प्राप्त की जाती हैं। अब यदि समीकरण में हम समानुपाती को बराबर के चिन्ह में बदलना चाहें तो हमको एक नियतांक की आवश्यकता होती है और यहाँ पर हमने k का उपयोग किया है एक नियतांक या स्थिरांक के रूप में। तो k जो होता है इसको हम कहते हैं अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। और x और y के बारे में अभी हमने बात किया कि x और y किसी अभिक्रिया के लिए फिक्स होते हैं और इनके मान को यानी कि अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए x और y के मान निश्चित होते हैं और इनके मान को प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया जाता है। कैसे ज्ञात किया जाता है इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी बस आपको इतना ध्यान रखना है कि x और y जो ये घात हैं सांद्रता पदों के ये घात हैं इनके मान जो होंगे वो प्रयोगों द्वारा ज्ञात किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और देखते हैं अभिक्रिया का वेग स्थिरांक या इसको इंग्लिश में हम कहते हैं रेट कॉन्स्टेंट ऑफ रिएक्शन। तो यदि हम लोग इसको परिभाषित करना चाहें तो हम लिखेंगे अभिक्रिया के दर समीकरण में उपयोग किया गया नियतांक वेग स्थिरांक कहलाता है, जैसा कि अभी हम लोगों ने पीछे किया। और वेग स्थिरांक को के से प्रदर्शित करते हैं। अब के बारे में कुछ खास बातें देखते हैं। तो किसी अभिक्रिया के लिए निश्चित ताप पर या ऐसे आप समझ सकते हैं निश्चित ताप पर किसी अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान स्थिर होता है तथा ताप परिवर्तन करने पर यानी अब यदि अभिक्रिया में ताप परिवर्तन किया जाए तो वेग स्थिरांक का मान भी परिवर्तित हो जाता है। ये वेग स्थिरांक के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे आप कह सकते हैं कि किसी भी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक या इंग्लिश में आप कह सकते हैं रेट कॉन्स्टेंट उस अभिक्रिया के लिए स्थिर होता है परंतु ताप परिवर्तन पर इसका मान परिवर्तित होता है। इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मान सांद्रता परिवर्तन अथवा समय परिवर्तन से परिवर्तित नहीं होता है। तो सांद्रता से और समय के अनुसार परिवर्तित नहीं होता है लेकिन अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ताप परिवर्तन पर परिवर्तित हो जाता है, वेग स्थिरांक का मान बदल जाता है। और भिन्न भिन्न अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक का मान भिन्न भिन्न होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
तो अब आगे हम लोग बात करते हैं वेग स्थिरांक के मात्रक की। तो वेग स्थिरांक का कोई निश्चित मात्रक नहीं होता है, बल्कि वेग स्थिरांक का मात्रक जो होता है अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक नया शब्द आया है आपको, अभिक्रिया की कोटि, या इसको इंग्लिश में हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में चर्चा करेंगे और अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए हम लोग उसके वेग स्थिरांक के मात्रक को भी निकालेंगे। अभी बस आपको इतना ध्यान रखना है कि वेग स्थिरांक का कोई एक निश्चित मात्रक नहीं होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे मुझे अच्छा लगता है और मैं और भी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें और अपने फीडबैक को, वीडियो कैसा लगा है इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो में कुछ कमी हो तो भी बताएं। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।